कौन हो तुम? मेरा नाम है ट्विस्ट। क्या ये थगलेट स्लग है? हाँ, उसे कंफ्यूज करो लोकी। तुम हमारी टीम में आ जाओ, आज तुमने दिखा दिया, अब तुम शेन गैंग में हो, हम सब एक परिवार। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? क्योंकि वो मुझ पर यकीन करते हैं। पता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्लगटेरा एक्सप्रेस के आने से हमने स्लगटेरा को और खूबसूरत बना दिया है। सच कहो तो मैं भी यही मानता हूँ। मुझे लगता है यहाँ सामाजिक विकास की जरूरत है। वेटर, अच्छे बच्चे बनो और ऐसी ही लजीज और छोटी ब्रेड स्टिक्स ले आओ, ठीक है? जी क्यों नहीं सर, मैं बस अभी जाकर ले आता हूँ। पता नहीं मुझे सबसे ज्यादा किससे चिढ़ है, उन पैसेंजर्स से या इन कपड़ों से। अब छोड़ो भी ये गुस्सा, ये तुम्हारा ही प्लान था, याद है ना? मैंने मास्टर की ढूंढ ली है, तो फिर चलो करते हैं। क्या सब मुझे सुन सकते हैं? बेशक मियां, और हमेशा की तरह ना। मैं तैयार हूँ। सब कुछ तैयार है इलाई। तो ठीक है, चलो चलकर एक ट्रेन चुराते हैं। हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है, कल रात डॉक्टर ब्लैक काले पानी को अपने सुरक्षित अड्डे पर ले जा रहा है। ये आसान शिकार नहीं होगा। ब्लैक कोई चांस नहीं लेगा, हम बात कर रहे हैं आर्म गार्ड्स, प्राइवेट ट्रेन्स की और बाकी सब। हमने ब्लैक पर दो दिन पहले ही हमला किया था, वो पहले से तैयार नहीं बैठा होगा। ट्विस्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लैक अपने माल को ठिकाने लगा रहा होगा। तुम लोगों ने डेडवीट के खदान में उसके माल को लूटा था, पर अब भी उसके पास बहुत माल है। ट्विस्ट के सूत्रों के हिसाब से ब्लैक ने काला पानी अपने किले से हटाकर उस गुफा में अपने अड्डे में रखा होगा। उसकी कोई गलती नहीं है, मैं भी उस काले पानी से दूर ही रहती। यही मौका है दोस्तों, चलो ये काम पूरा करते हैं और ब्लैक का गूल्स का ये बिजनेस हमेशा के लिए बंद करते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड, सुन रहे हो ना? सॉरी क्या हुआ? मैं प्लान बता रहा था। सॉरी, मैं अभी उस गूल के अड्डे में जो हुआ उसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे कुछ बातें हजम नहीं हो रही हैं। मैंने उनके सिक्योरिटी नेटवर्क को बंद किया, फिर ट्विस्ट अंदर गया और अचानक डायब्लोस वहाँ पर आ गया। सवाल ये है कि उसे कैसे पता चला कि हम वहाँ हैं? अब छोड़ो भी, इलाई को तुम्हारी मदद चाहिए। सही कहा, माफ करना दोस्त, चलो मिशन पर चलें। बाल बाल बच गए, शुक्रिया। ट्रेन की स्पीड बढ़ा दो, हमें बहुत काम करना है। आलसी कहीं के केव ट्रोल, वैसे तुम मुझे कॉर्ड बुला सकते हो। ट्विस्ट, उस डिब्बे को अलग कर दो। मैं तो रिफंड मांग कर रहूंगा। कहना पड़ेगा, इसमें बहुत जोखिम है इलाई, हमारे लिए भी। तुम्हारी जानकारी सही है ना ट्विस्ट, क्या लगता है तुम्हें? अगर मैं होता तो इस तरह का पागलपन कभी नहीं करता, पर अगर इलाई को लगता है कि हम ये कर सकते हैं और इससे डॉक्टर ब्लैक को नुकसान होगा तो हम ये जरूर करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है, गोडाउन से 3 मील दूर एक एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें स्लगटेरा का सबसे कीमती माल है। मैं समझी नहीं, एक ट्रेन को चोरी करने से दूसरी कैसे चोरी होगी? जैसे एक तीर से दो शिकार होते हैं। मिस डायरेक्शन। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने उन्हें चकमा दे दिया ना जी। बढ़िया, अब काम पर लगते हैं। तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, इस खटारे को ठीक करने में मेरी मदद करो। अब कोशिश करो। इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, शायद मेरे ट्रेन में से कुछ मिले जो इसे ठीक करने में काम आए। वाह क्या बात है, मैं भी कब से गलत चाबी लगाकर ट्राई कर रहा था।
टैक्सी बोल रही हूँ, तुम्हारे पास 10 मिनट है, मैं वहीं आ रही हूँ। टाइम क्या हुआ है, तुम्हें तो 10 मिनट पहले यहाँ आना चाहिए था। हाँ माफ कर दो यार, ट्रेन में कुछ गड़बड़ थी। क्या तुम चाहते हो कि मैकेनिक इसे चेक करें? नहीं अब ठीक हो गया, इंजन में खराबी थी, अब सब कुछ ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? माफ करना हम लेट हो गए, एक पुरानी मशीन बीच में बंद पड़ गई थी। हमारा माल कहाँ है? माल? थोड़ा जल्दी चलो, ब्लैक चाहता है कि ये माल अड्डे पर जल्दी पहुंच जाए। अफसोस ये ट्रेन लेट होने वाली है। इसके पास टिकट नहीं थी। तुम्हें हमारे साथ देखकर खुशी हुई ट्रिक्सी। शुक्रिया, पर उन्हें अब तक पता चल गया होगा कि हमने इंजन बदल दिए हैं, हमें और तेज चलना चाहिए। फुल स्पीड कॉर्ड। अब सब कुछ प्रॉन्टो पर निर्भर करता है। दोस्तों मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्लान को कामयाब करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा होने वाला है जी। बढ़िया, तो चलो वहाँ वापस चलते हैं दोस्त। सिर्फ तब तक जब तक मैं इस प्लान में की मोल हूँ। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ज्यादा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ हुकुम का हिक्का। ये काम खत्म होने के बाद तो मेरे गली गली में मैंने कहा था ना, मुझे फोन मत करना। बॉस को देखना था कि सब ठीक ठाक है। तुमने हमसे कुछ वादे जो किए हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दोबारा फोन मत करना। वो कह रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है बॉस। ऐसा होगा तो उसके लिए ही अच्छा है। वो आ रहे हैं, अगर हम प्लान के हिसाब से चले तो कुछ नहीं होगा। वो दोस्त, अगर तुमने इमरजेंसी ब्रेक दबाया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो हमारे पास आ रहे हैं इलाय। बस चलते रहो कॉर्ड, हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। बस पहुंच ही गए, पहुंच ही गए। अभी प्रॉन्टो। की मॉल टू ब्रॉन्टो, मिशन की मॉल कामयाब हुआ जी। हम ये बिना तुम्हारे नहीं कर पाते ट्विस्ट, लेकिन ये प्लान तुम्हारा था, मेरा तो इसमें छोटा सा हिस्सा है। सबने मिलकर ये काम किया, यही तो एक परिवार करता है। रुको। मेरा मतलब मैं जानता हूँ मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, पर ये सच है। रुको, हमारी टक्कर होने वाली है। ब्रेक्स दबाओ। ये काम नहीं कर रही। मुझे लगा तुमने कहा था हम इसे आसानी से रोक पाएंगे। पर हम इतने तेज नहीं जाने वाले थे। फ्रंट तो तुम्हें बचाएगा। कुछ तो करो दोस्त, स्पीड कम करो। एक बार फिर से प्रांटो ने सबको बचा लिया। ये क्या हुआ कॉर्ड, हमें तो खुशी मनानी चाहिए। पता है जब हम उनके अड्डे पर थे तब डियाब्लोस को कैसे पता चला हम वहाँ हैं? कुछ वक्त पहले नहीं था, फिर अचानक वहाँ आ गया। अजीब बात है ना कॉर्ड मेरे दोस्त, हमने बहुत ही होशियारी से इस काम को अंजाम दिया है। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं एक इंजीनियर हूँ इलाय, मेरा काम ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। देखो आज हमने छोटा काम बिल्कुल नहीं किया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ब्लैक का सारा माल। वो जब उस डॉक्टर को मेरे प्लान के बारे में पता चलेगा तो उसका मुंह देखने लायक होगा। वो मेरा नाम कभी नहीं भूलेगा।
और साथ में तुम्हारा भी मियाँ, पर सबसे ज्यादा प्रॉन्टोगा। ये यहाँ कुछ दिनों तक सुरक्षित रहेगा, पर मुझे लगता है कहीं चलकर हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। मतलब हम यहाँ नहीं रुकेंगे? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं और तभी वापस आएंगे जब हम सुरक्षित हो। डॉक्टर ब्लैक ने तुम्हें हेलो बोला है। ये सब कुछ एक जाल थी और हम इसमें फंस गए। पहले जान बचाओ, इल्जाम बाद में लगाएंगे। बाहर निकलो बच्चों, मैं तुम्हें जल्दी कोमा में पहुंचा दूंगा। ये तो मुझे छोड़ेगा इस नहीं ना। प्रॉन्टो बड़े धीरे धीरे और आराम से जाना चाहता है जी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। ट्विस्ट के साथ जाकर कोई सेफ जगह ढूंढो, हम तुम्हें कवर करते हैं। हम उन्हें चौंका देंगे, फिर मिलकर उन पर हमला करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी ये तो मेरे पापा के हाइडआउट्स में से एक है। ईलाई, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम उन्हें मिस करते हो ना? एक परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता ट्विस्ट। गॉड, गॉड, तुम किस ख्याल में खो गए? हम गलत थे, हमें इलाई तक पहुंचना ही होगा। मेरी बात सुनो, उस गूल के अड्डे पर कुछ तो गड़बड़ थी, वो लोकी था। टीवी पर लोकी को एक आम स्लग की तरह दिखना चाहिए था, ना कि एक गूल। वो सिर्फ इंसानों को झांसा दे सकता है, कैमरा को नहीं। और ऐसा हुआ क्योंकि वो एक गूल ही था जिसने हमें धोखा दिया। इसलिए लोकी जैसा एक स्लग किसी का भी रूप ले सकता है। और उसने डॉग को क्यों नहीं चुना? डॉग तब तक किसी को ठीक कर सकता है जब उसे ब्लास्टर में डालकर कोई शूट करे, पर वो फिर भी पहचान सकता है कि लोकी एक गूल है। तो इसका मतलब है इलाई, ट्रिक्सी बोल रही हूँ, तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, वो ट्विस्ट है। इलाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने कहा कि ट्विस्ट ब्लैक के लिए काम करता है। क्या ये सच है? लगता है ये बात सच है। क्या बताना चाहोगे क्यों? मैंने अब तक सोचा नहीं है। ये शेन्स भी ना, सब पहले से जान जाते हैं। तुमने सोचा कि तुम ब्लैक के काले पानी को यहाँ छिपा दोगे ताकि किसी को पता ना चले, और अब तुम्हारे साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। ब्लास्टर को फेंक दो, फिर पीछे मुड़ो ताकि मैं तुम्हारी शक्ल देख सकूं। लोकी गूल है? मैं अकेला नहीं था जिसने तुम्हें उल्लू बनाया। मुझे ये कहना पड़ेगा ट्विस्ट, तुमने अपने स्लग्स को भी धोखा दिया है। तुम जानते हो अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आना चाहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरे पास जितने चाहे उतने गोल्स हैं। हमें उस सुरंग में किसी तरह जाना ही होगा। शायद मुझे उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं तोल बोल के बोलता हूँ ना जी। हमला कर दो इतने। एक शेन बिना ब्लास्टर के, कितनी बुरी बात है। हाँ, पर मेरे पास मेरे स्लग्स तो हैं। तुम्हें अब तक मेरे बारे में ये चीज जान लेनी चाहिए थी। मुझे हैंड टू हैंड लड़ाई में नहीं हरा सकते।
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डियाब्लोस है, उसे रास्ते से हटा दिया तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हमें क्या है कि एक प्लान बनाना होगा जो बहुत ही चौंका देने वाला। भागो, भागने का कोई प्लान नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ट्विस्ट? तुम मेरे लिए परिवार थे। परिवार? क्या शेन को इस शब्द का मतलब भी पता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा जिनकी वजह से मैं अनाथ बना, बात बस कुछ स्लग्स की ही थी। हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। वो हमें अकेला छोड़ के जा सकते थे, पर उन्हें एक हीरो बनना था तुम्हारी तरह। याद है पहले मैंने क्या कहा था मिस डायरेक्शन के बारे में? हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते। हार मत मानो भैया, मेलेनॉइड बॉम्ब से हम फिर से कोशिश कर सकते ना। पर वो तो एक झूठी कहानी है। और अभी नहीं, मेरे तीन गिनने पर, एक दो। ठीक हूँ, तुम लोग मेरी टेंशन नक्कू लो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ ट्विस्ट, मैंने भी मेरे पापा को खोया है। तुम मेरे एहसास को नहीं समझ पाओगे। तो क्या ये सब बदले के लिए है? तुम भी ब्लैक की तरह बनना चाहते हो? मैं एक सर्वाइवर हूँ इलाई, पूरी जिंदगी मैंने देखा है सब धोखा ही देते हैं, इसीलिए मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ बस जीत ही जीत है। ये ताकत के बारे में है, ये तुम्हारे पापा और ब्लैक समझ चुके थे। तुम्हें तो सामना करने के लिए पहले मुझे चुनना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे चुनना पड़ेगा? इलाय? वो कहाँ है? जाने दो कॉर्ड, लगता है वो चला गया, पर मेरे हिसाब से वो दोबारा वापस आएगा। चलो घर चलते हैं। तो तुम लोग बताओ रात को क्या खाएंगे जी? हाँ मुझे पता है, करेले का सूप तुम लोगों को बहुत पसंद है, या मिर्ची की सब्जी? ये, आज खाना होटल से मंगाएंगे। खाना तैयार है जी। इलाय तुम ठीक तो हो दोस्त? क्या हुआ तुम्हें? तुम तो खाना भी नहीं खा रहे हो। और ये तो वो इंसेक्ट वाला डिश भी नहीं है जो प्रॉन्टो हमेशा बनाता रहता है, क्यों? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा। इलाय उसने हमें मारने की कोशिश की। बिल्कुल सही, प्रॉन्टो के ज्यादा नियम नहीं है, पर जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता मैं उससे दूर ही रहता हूँ ना। लड़ाई दिमाग से भी हो सकती ना। बात ये है कि हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते, उसने हमारे साथ भी धोखा किया है शायद। पर मैं जानता हूँ ट्विस्ट में अच्छाई भी है। उसे बस ये समझना होगा कि वो अकेला नहीं है। उम्मीद है कि हम उसकी मदद कर सके इससे पहले बहुत देर हो जाए। तो इतना वक्त और पैसा बर्बाद करने के बाद भी तुम खाली हाथ वापस आ गए। शेन गैंग बच गई और वो इलाय शेन भी आजाद घूम रहा है। किए गए वादे के मुताबिक मैं उन्हें गुफा तक ले आया। मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए बच्चे,
मुझे नतीजे चाहिए। और तुम्हें खुद के बचाव में कुछ कहना है? नहीं। फिर तुम मुझे और निराश नहीं करोगे। वापस जाओ जहाँ से आए थे। अपना वादा याद करो, हम दोबारा मिलेंगे ब्लैक। जहाँ तक तुम्हारी बात है, अच्छा काम किया। बदला लेने के लिए और कई मौके मिलेंगे ट्विस्ट। तुमने उस हालात में जो भी किया वो अच्छा किया। अब मुझे इलाय शेन और उसके साथियों के सारे राज पता है। कहना पड़ेगा ये एक नई शुरुआत है। ओ ट्विस्ट, तुमने आज देखा जो मुझे निराश करते हैं उसकी क्या असर होती है। मेरी मानो तो इसकी आदत मत डालना।